नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। देश का सच दिखाते हैं हम, बेमौसमी बारिश से किसान हुए परेशान। वही बलिया में आए भाजपा के प्रभारी मंत्री अनिल राजभर ने विभाग संबंधित अधिकारियों को एक हफ्ता के अंदर आकलन करने का निर्देश दिया है। जिला संवाददाता उपेंद्र कुमार तिवारी की रिपोर्ट। हम श्री बचन तिवारी, बरखा के वजह से और आंधी के वजह से सारा गेहूँ गिर गया है। अब हम लोग बहुत परेशान हैं, गेहूं का होने का कोई संभावना नहीं है, वो एक पे एक गिर गया है। जो पूरे पूर्वांचल सहित पूरे उत्तर प्रदेश में जो भारी बारिश हुई है, कहीं कहीं ओलावृष्टि हुई है, उससे किसानों का क्या नुकसान हुआ है, नुकसान का आकलन करने के लिए एक समीक्षा बैठक करने का आदेश मुख्यमंत्री जी का कल देर शाम को हम लोगों को मिला। उसी क्रम में आज बलिया आगमन हो रहा है। सारे वरिष्ठ अधिकारियों की मीटिंग बुलाई गई और सबको कड़ाई के साथ निर्देशित किया गया, एक सप्ताह के अंदर पूरे तहसील को लगाकर, तहसीलदार, नायब लेखपाल को लगाकर, और जितने भी ऐसे किसान हैं जिनके फसल का नुकसान हुआ है, एक सप्ताह के अंदर उसकी समीक्षा कर उसका आकलन करके कितने फसल का नुकसान हुआ, हम कितना मदद की हमें आवश्यकता है बलिया जनपद के लिए, उसका एक प्रस्ताव बनाकर शासन को एक सप्ताह के अंदर प्रेषित कर दें। मंत्री जी, पिछले दिनों जो बाढ़ से और बारिश से और नुकसान हुआ था, उसके संबंध में क्या? मैं आप लोगों के माध्यम से बलिया के सम्मानित अन्नदाताओं को बताना चाहता हूं कि 6 करोड़ रुपया बलिया के सम्मानित किसानों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री जी ने दिया है। उसका भी वितरण RTGS के माध्यम से संबंधित किसानों के खाते में वो पैसा, वो धनराशि अविलंब पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। आप मंत्री जी, कल की बैठक में, आप लोगों की कैबिनेट की बैठक में कोरोना वायरस को लेके सभी स्कूल, कॉलेज, यहाँ तक कि MBBS की क्लासेस भी बंद कर दी गई है, लेकिन अभी तक जो मुख्यमंत्री आरोग्य मेला है जिसमें हजारों लोग जुटते हैं और इसमें संक्रमण होने का खतरा सबसे ज़्यादा है, उसके संबंध में कोई सूचना नहीं आई कि वह स्थगित है कि कल मेला लगेगा? नहीं, वो सामूहिक रूप से कह दिया गया है कि कहीं भी ज़्यादा लोगों का एकत्रीकरण ना हो, कहीं भीड़ ना हो। हम लोग मंत्री हैं, हम लोगों को भी स्पष्ट आदेश आ गया है कि कहीं ऐसे जगह पर ना जाएँ जहाँ आप लोगों के जाने पर भीड़ आती है, या आप भीड़ ना इकट्ठा करें, कोई पब्लिक मीटिंग ना करें। इस तरह की बातों का हम लोगों को भी आदेश मिला हुआ है। ये महामारी है और इससे सजग रहने की आवश्यकता है। सब लोग सजग रहें, जागरूक रहें, इसका यही इलाज है, और चारों तरफ से उस पर प्रशासन ध्यान रखे हुए। कल मुख्यमंत्री आरोग्य मेला स्थगित रहेगा? बिल्कुल रहेगा।